आप सभी का आर के वाई इन्फो न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को आज ये बताने वाला हूं कि आपका यमाई फोन है तो आप यमाई फोन को अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग को ओपन करते ही आपको एक यहां पे एक फीचर दिखाई दे रहा होगा अबाउट फोन। अबाउट फोन के साइड में आपको एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा अपडेट का। यहां पे अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको अपडेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हैं आपको यहां पे डाउनलोड अपलोड का डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो मेरा फ़ोन अपडेट मांग रहा है। ऐसे ही आप नीचे एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा होगा सिस्टम अपडेट का। आप सिस्टम अपडेट पे जैसे ही ओके करेंगे क्लिक करेंगे आपको सीधे सिस्टम ऐप 18 ऐप अपडेट करने को बोल रहा है। और आप यहाँ पर यह भी देख सकते हो कितनी आपकी एमबी खर्च होने वाली है। तो आप पहले अपने एमबी को भी सेव कर लीजिए तभी अपडेट करने को सोचिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में मुझे 574.6 एमबी की ज़रूरत है ऐप को अपडेट करने के लिए। तो आपको आपके पास एमबी होनी चाहिए। तो मैं सीधे सिंपल आपको ये बताता हूँ कि आगे प्रोसेस क्या करना है। तो आपको सीधा सिंपल अबाउट फोन पर क्लिक करना है। अबाउट फोन पर क्लिक करते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे एक चार ऑप्शन और दिखाई दे रहे होंगे, डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज एंड सेटिंग एंड व्हाट न्यू एंड एक ऑप्शन मोर का दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको एक यहाँ पे नीचे स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। स्टोरेज को ओपन करते ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिवाइस नेम रेडमी 9R के। एंड इसके बाद आपको सिंपल अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करते ही आपको एक नीचे ऑप्शन अपडेट का मिलेगा, अपडेट का इस पर ओपन। जैसे ही आप अपडेट पे ओपन करते हैं आपका फ़ोन अपडेट हो। ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक सिस्टम अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा जो वाईफाई ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको साउंड ऑफ नेचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दूसरा EMI शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करते ही आपको डाउनलोड कंफर्म पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डाउनलोडिंग 1 2 3 4 5। आप इस तरह से आपका फ़ोन अपडेट हो रहा है। अपडेट होते होते थोड़ा देर आपको वेट करना, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं आप फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है और आप दोबारा अपडेट मांग रहा है। आपका फ़ोन बिल्कुल जैसे पहले न्यू था वैसे ही हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके का फ़ोन दिखाई दे रहा है।